हेलो गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सैमसंग का J2। फ्रेंड, ये सैमसंग का J2 है जिसमें FRP लॉक लग गया है। आप देख सकते हैं इसमें FRP लॉक लग गया है, मतलब गूगल अकाउंट लॉक लग गया है। तो आज मैं इसका गूगल अकाउंट बाईपास करके आपको दिखाऊंगा, तो मेरे वीडियो को देखते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, शिवो मोबाइल टेक प्लस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ स्टार्ट पर टैप करेंगे। यहाँ पर एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर लेंगे इस फ़ोन से। अगर आपके घर में कोई दूसरा फ़ोन है तो इसमें हॉटस्पॉट स्टार्ट करके इस फ़ोन से वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर ले, ताकि इस फ़ोन पर इंटरनेट चालू हो जाए। अगर आपके घर में कोई दूसरा फ़ोन नहीं है तो आप इस फ़ोन में सिम कार्ड लगा कर भी नेट चला सकते हैं। चलिए, मैं वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर लिया हूँ। नहीं हुआ, फिर से एक बार डाल लेते हैं। पासवर्ड लग रहा रॉन्ग हो गया। तो अगर आपके घर में कोई दूसरा फ़ोन है तो वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर ले। ठीक है, वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार नेक्स्ट करेंगे। टर्म एंड कंडीशन पे टिक किया हुआ है, कर दिए। यहाँ एग्री करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा रुकेंगे, यहाँ पर थोड़ा समय लगेगा, 1-2 मिनट लग सकता है, तो आपको वेट करना है। लाइट कम हो गया तो इसे मैं स्लाइड करके जला दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए जीमेल आईडी मांग रहा है। इस फ़ोन में लास्ट टाइम जो जीमेल आईडी यूज हुआ था, वो जीमेल आईडी अगर हम लोग यहाँ पर डाल देंगे तो लॉक यहीं से खुल जाएगा, पर वो जीमेल आईडी भी मुझे पता नहीं है। ठीक है, और यहाँ नीचे नेक्स्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा, तो क्या करेंगे, बैक आ जाएंगे। स्टार्ट मेनू में आ जाएंगे जहाँ से शुरू किए थे। ठीक है, आगे अब हम लोग क्या करना है, ये है होम बटन, इसको 3 बार लगातार प्रेस करना है, 1, 2, 3। ठीक है, तो टॉक बैक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पहला बार में स्टार्ट नहीं हुआ है, एक बार और हम लोग फिर से ट्राई करेंगे, 1, 2, 3। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारे फ़ोन का टॉक बैक अब स्टार्ट हो चुका है। यहाँ स्क्रीन पर L बनाएंगे, नहीं काम कर रहा है, फिर से ट्राई करते हैं। स्क्रीन पे L बनाएंगे, नहीं काम कर रहा है, तो चलिए हम लोग यहाँ नीचे एग्जिट लिखा है इस पर टैप करेंगे, डबल टैप करेंगे। अब यहाँ पर L बनाएंगे, ठीक है, तो खुल गया। अब यहाँ देखिए टॉकबैक सेटिंग है, इस पर हम लोग टैप करेंगे और डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग को 2 फिंगर से स्लाइड करना होगा। ठीक है, 1 फिंगर से स्लाइड नहीं होगा, तो 2 फिंगर से स्लाइड करना था। देखिए हम लोग 2 फिंगर से स्लाइड कर रहे हैं, थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे आएंगे, आपको दिखेगा प्राइवेट पॉलिसी। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, देखिए क्रोम का आइकॉन आ गया, उस पर टैप करेंगे और डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस फ़ोन का टॉकबैक बंद कर लेंगे। तो जिस तरह से स्टार्ट किए थे उसी तरह से हम लोग बंद भी कर सकते हैं। तो 3 बार लगातार फिर से प्रेस करेंगे होम बटन को, करें टॉक बैक डिसेबल हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर टैप करेंगे और यहाँ नो थैंक्स पर टैप करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ ऊपर में टैप करेंगे और यहाँ लिखेंगे VN ROM। ठीक है, और सर्च कर देंगे। खुलने में थोड़ा समय लगा रहा है, आपको वेट करना है। नहीं खुला, थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, अब खुल गया। अब यहाँ सबसे ऊपर में VN ROM का वेबसाइट का दिखा रहा है लिंक, उस पर टैप करेंगे, कर दिए। ठीक है, अब हमारे फ़ोन में VN ROM का वेबसाइट खुल चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे एक ऑप्शन है सेटिंग, जिसमें लिखा हुआ है ओपन, तो यहाँ पर हम लोग ओपन पर टैप करेंगे। नहीं खुला, एक बार और टैप करेंगे, वेट करेंगे। ठीक है, खुल गया।
अब हमारे फ़ोन का सेटिंग खुल गया है, ठीक है। अब यहाँ नीचे अबाउट में जाएंगे, इस पर टैप करके इस फ़ोन का वर्ज़न देखेंगे। इस फ़ोन का वर्ज़न है 5.1.1, ठीक है। तो हम लोग को 5.1.1 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो हम लोग बैक आ चुके हैं फिर से भीम रूट का वेबसाइट पर। यहाँ पर लिखा हुआ है एंड्रॉयड 5GAM APK, इसको टैप करेंगे, ठीक है। ये ऐड आ गया पहला बार में, इसे क्रॉस कर देंगे, ये हट जाएगा। अब फिर से एक बार ट्राई करेंगे एंड्रॉयड 5GAM APK, ठीक है। टैप कर दिए, ऐसे यहाँ ओके आया, ओके करेंगे। अब ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ओपन करने बोल रहा है, डाउनलोड हो गया। तो अब यहाँ परमिशन मांग रहा है, तो सेटिंग में टैप करेंगे और यहाँ पर परमिशन दे देंगे, मतलब इस ऑप्शंस को चालू कर देंगे। अब इस एप्लीकेशन को हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। यह एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा पर यह एप्लीकेशन को ओपन नहीं करना है, ठीक है। इसे ओपन नहीं करेंगे, यहाँ डन लिखा हुआ, डन कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग फिर से यहाँ आ गए, यहाँ पर देखिए FRP बाईपास APK लिखा हुआ है, इस पर टैप करेंगे, ठीक है। इसे भी ओके करके डाउनलोड कर लेंगे, यह भी डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। डाउनलोड हो गया, अब यहाँ से हम लोग ओपन कर लेंगे और यहाँ सेटिंग पर फिर से परमिशन देंगे इंस्टॉल करने के लिए। तो इसे हम लोग चालू कर दिए, अब FRP बाईपास ऐप को हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। अब यह एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया, अब यहाँ ओपन कर लेंगे इस ऐप को, कर लिए। अब ऊपर में आपको दिख रहा होगा 3 डॉट, इस पर टैप करेंगे, ब्राउजर साइन इन, इस पर टैप करेंगे, यहाँ ओके दबाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा समय लग रहा है लेकिन वेट करना है, ठीक है। यहाँ पर एक Gmail ID लॉगिन करना है आपको, आपके पास कोई भी Gmail ID पासवर्ड पता हो जिसका, उसको आप यहाँ पर लॉगिन कर ले। अगर आपके पास कोई Gmail ID पासवर्ड पता नहीं है तो यहाँ एक नया भी बना सकते हैं आप। तो कोई भी Gmail ID एक तो यहाँ पर लॉगिन कर ले। मेरे पास एक Gmail ID है जिसका मुझे ID पासवर्ड पता है, तो उसे मैं यहाँ पर डाल के लॉगिन करता हूँ, ठीक है। Gmail ID डाल दिए और गो कर दिए। अब यहाँ पर पासवर्ड डालना है इसी ID का, तो चलिए मैं फटाफट पासवर्ड डाल लेता हूँ। डाल दिया पासवर्ड, अब यहाँ से इसे भी ओके करके गो कर देंगे, ठीक है। या Gmail ID खुद ब खुद लॉगिंग होके ऑटोमेटिक यहाँ से बैक हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब वो लॉगिंग हो चुका है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, पूरा बैक आ जाना है, ठीक है। आगे अब हम लोग यहाँ स्टार्ट पे टैप करेंगे, वाईफाई कनेक्ट है, नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ भी नेक्स्ट कर देंगे, एग्री कर देंगे, तो समय लग रहा है, वेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, यहाँ स्किप कर देंगे, यहाँ पर इसे यानी स्किप कर देंगे, मोर पे टाइप करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी स्किप कर देंगे, अब फिर से यहाँ पर भी स्किप करेंगे, ठीक है। सेटअप कंप्लीट हो गया, अब यहाँ फिनिश पे टाइप कर देंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमारा फ़ोन जो है कंप्लीट FRP बाईपास हो चुका है। तो फ्रेंड इसी तरह से इस फ़ोन का FRP बाईपास करते हैं। अगर आपको किसी पर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताएं, ठीक है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू दोस्तों।